चलिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है 10 का दंगल में, और आपको बताएंगे कि कैसे ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। मुद्दों से भटकाना चाहती है सरकार। 5 अगस्त को कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। देखिए कांग्रेस अब कह रही है कि मुद्दों से भटकाना चाहती है सरकार। 5 अगस्त को कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। दरअसल ईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहले राहुल गांधी से पूछताछ की गई, उसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, और उसके बाद फिर हेराल्ड हाउस में ईडी की तरफ से लगातार छापेमारी की गई, सील कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है और कह रही है कि सरकार मुद्दों से भटकाना चाहती है। 10 का दंगल में लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आगे रुक कर लेते हैं, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। ईडी की कार्रवाई से क्यों डर रही है कांग्रेस, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। एक परिवार को बचाने में पूरी ताकत लगा रही है कांग्रेस। देश में कानून सबके लिए एक है, देश के कानून से रण की बात क्यों, ये बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। क्या कांग्रेस अब लड़ाई करेगी, ना रण होगा ना रन होगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। कुछ नहीं किया तो फिर डरना क्यों है। और देखिए कानून किसी को छोड़ता नहीं, कोर्ट में कांग्रेस पूरी तरीके से हार चुकी है, ये भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है। हम आपको 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि यंग इंडिया के दफ्तर पर कल सील लगाई गई, हेराल्ड हाउस में छापेमारी की गई, और उसके बाद कांग्रेस लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, और अब कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। तो स्वाभाविक रूप से उसमें इस प्रकार का एक व्यवहार, ड्रामा, और आज सुबह यह कहना कि अब याचना नहीं रण होगी, रण मतलब युद्ध करेंगे, अब याचना नहीं रण होगी। नहीं, आप ये बताइए, पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं, सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं, या युद्ध करने वाले हैं? जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है न रण होगा और न रन होगा, आर यू एन रन, नाइदर यू शुड फाइट अगेंस्ट द सिस्टम नॉर यू शुड रन अवे फ्रॉम द सिस्टम। कल जिस प्रकार से शाम को जब यंग इंडिया लिमिटेड, यह जो एक कंपनी है जिसकी 76% के स्टेक होल्डर या डायरेक्टर कहिए, ओनर कहिए, मालिक कहिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, कल जब इनके दफ्तर को ईडी ने बंद किया, जो हमने न्यूज के माध्यम से देखा, जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी ने बनाया, ये आश्चर्य का विषय। चलिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित पोखरियाल और शिवम। हम दोनों का रुख कर लेते हैं जो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, और इस पूरी खबर पर हम उनसे अपडेट लेंगे। सबसे पहले अगर हम रुख करें तो रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, आप कहां पर मौजूद हैं, और खासतौर पर देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ना तो रण होगा और ना ही रन होगा, इसकी तैयारियां भी शायद प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। देखिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय पर ही मौजूद हूं। तस्वीरें मैं चाहूंगा बालाजी अगर दिखाएं, कांग्रेस मुख्यालय पर ही हम लोग मौजूद हैं। हालांकि यहां पर बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट है नहीं, कांग्रेस मुख्यालय के अंदर की तस्वीरें कैमरा पर्सन बालाजी दिखाएं। देखिए यहां पर अभी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खास चेहरा पहुंच गया हो, लेकिन लगातार कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक घेरने की पूरी रणनीति करती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए आपको यहाँ पर एक ट्रक नजर आ रहा होगा, तमाम कूलर्स यहाँ पर उतारे जा रहे हैं। ऐसे में आप माना जा सकता है कि सत्याग्रह जैसी तमाम चीजें भी AICC के दफ्तर में हमने देखी थी, वो तमाम चीजें हमने कवर की थी। तो ऐसा ही पूरा प्रोग्राम, ऐसा ही पूरा प्लान कांग्रेस का हो सकता है। लेकिन आज सदन में भी एडजर्नमेंट मूवमेंट, स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस लाने की बात कर चुकी है, और अब देखना होगा क्योंकि कल जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ सुमित कल, और कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के मन में, जो कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम चेहरे हैं, उनके मन में यह भी था कि जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय राउत को उठा लिया, जिस तरीके से पार्थ चटर्जी पिछले कई दिनों से लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सवालों से दोचार हो रहे हैं, कल पूरा इस तरीके का माहौल हो गया था, और कहीं ना कहीं सबके मन में बात आ गई थी कि क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी डर बैठ गया है। मैं इसके लिए शिवम का रुख करना चाहूंगी, शिवम भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम देखिए, जैसा कि रोहित कह रहे हैं कि संजय राउत को लेकर के, अब देखिए पार्थ चटर्जी का भी उन्होंने जिक्र किया, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब डर रही है कि कहीं ये जो जांच हो रही है ईडी की तरफ से, वो गिरफ्तारी तक तो नहीं पहुंच जाएगी, इसलिए इतना हंगामा हो रहा है क्या? बिल्कुल, ये
आप बिल्कुल यही एक वजह है कि जब सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही थी ईडी की, जब राहुल गांधी से पूछताछ चल रही थी, उस दौरान भी कांग्रेस ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। उसके पीछे प्लानिंग ये थी कि अगर कल को इन दोनों बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती है तो इस मामले में कांग्रेस हो अल्लाह मचा चुके हैं। मैं इस समय देखेंगे तो आप नेशनल हेराल्ड दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूँ। यही वो चौथा फ्लोर है जहाँ पर यंग इंडिया का ऑफिस था और उसको कल सील कर दिया ईडी के तमाम अधिकारियों ने। दरअसल मंगलवार के दिन की अगर हम बात करें, मंगलवार को 12 जगह ईडी ने एक साथ इस मामले में रेड की थी और कई जगह से जो संदिग्ध तौर पर हवाला की एंट्री सामने आई थी उसके बाद ईडी ने इस दफ्तर में छापा मारा कल। और यहां पर चूंकि कोई भी कर्मचारी नेशनल हेराल्ड का मौजूद नहीं था, ऐसे में ईडी ने अपने सर्च ऑपरेशन को जारी नहीं रखा और उन्होंने कहा कि हम इसको अभी फिलहाल सील कर देते ताकि जब कोई इस दफ्तर में कर्मचारी मौजूद होगा तब हम यहां से यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। और आगे की अगर हम बात करें, कांग्रेस को यह निश्चित तौर पर लगता है कि जिस तरीके से न सिर्फ दोनों नेताओं से पूछताछ की गई बल्कि ईडी इस मामले में लगातार बढ़ रही है, जगह जगह छापेमार कार्रवाई की जा रही है, तो निश्चित आने वाले समय में ऐसा ना हो कि दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल देखिए शिवम, हमारे सहयोगी लगातार नेशनल हेराल्ड ऑफिस से हमें बता रहे हैं कि कैसे जब दफ्तर सील किया गया तो कांग्रेस को यह लग रहा है, आशंका है कि देखिए कहीं ऐसा ना हो इसके बाद जो ईडी का कदम हो वो दोनों नेताओं की गिरफ्तारी तक पहुंच जाए, इसीलिए ये पूरा हंगामा किया जा रहा। आखिरकार ये हंगामा क्यों किया जा रहा, आखिरकार ये विवाद है क्या? आइए आपको अपनी एक रिपोर्ट से समझाते हैं। ईडी की तलाशी गिरफ्तारी है बाकी, हेराल्ड केस में फंस गई पूरी कांग्रेस, पकड़ा घोटाला, दफ्तर में लगा ताला। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का शिकंजा हर दिन कसता जा रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद अब ईडी ने हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया है। कोई भी बिना अनुमति के जो है इस दरवाजे को नहीं खोलेगा, यानी कि यंग इंडिया का ये दफ्तर जो है इसे सील कर दिया गया है। कई दस्तावेजों की तलाश में जो है ईडी की टीम यहाँ पर आई थी और लगातार सर्च ऑपरेशन यहाँ पे 16 घंटे तक चलाया गया था। यानी अब यंग इंडिया के दफ्तर में बिना ईडी की इजाजत के कोई भी आ नहीं सकता। ईडी की इस कार्रवाई पर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। दिस इज नॉट अ मिस्टेक, द पॉइंट इज दैट दे वांट टू टेक अवे व्हाट इज देयर्स एंड गिव इट टू टू और थ्री ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज। So in India, if you look at, for example, Notbandi, demonetization, you look at GST, you look at farm laws, every action of theirs is about taking away things from poor people, weaker people, and handing it to the biggest, richest people. एक तरफ यंग इंडिया के दफ्तर पर ईडी ने ताला लगा दिया है तो दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास पर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। नहीं, सरकार का मंशा यही है कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए जो उनको करना है वो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी खत्म होने वाली नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी डरने वाले। कांग्रेस ने 5 अगस्त को बेरोजगारी, महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के खिलाफ पीएम आवास सहित देश भर में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में सड़क से संसद तक सियासी पारा और चढ़ने वाला है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन जाएंगे और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल। कांग्रेस भले ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रदर्शन का कारण बता रही हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जैसे जैसे नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच की आंच तेज हो रही है, पार्टी में बेचैनी बढ़ रही है। सवाल ये है कि पूछताछ और यंग इंडिया के दफ्तर को सील करने के बाद ईडी का अगला कदम क्या होगा? नेशनल हेराल्ड केस में लटकी गिरफ्तारी की तलवार सबसे पहले किस पर गिरेगी? इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय ही दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट आपको हमने दिखाई कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है और क्यों इतना हंगामा कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आज संसद में जबरदस्त हंगामे के आसार है। हेराल्ड मामले में संसद में हंगामा कर सकती है कांग्रेस, कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक भी चल रही है। आपको बता दें, हेराल्ड मामले में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। कल भी हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन का दफ्तर सील कर दिया गया था और देखिए कांग्रेस लगातार हंगामे कर रही है, विरोध किया जा रहा है।
क्योंकि ईडी की कार्रवाई और आगे बढ़ गई है। ईडी की तरफ से जांच को और तेज कर दिया गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस एक डर। हमारे साथ रोहित और शिवम लगातार बने हुए हैं। रोहित, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, खबर आ रही है कि आज भी हंगामे के आसार है संसद में, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। लेकिन रोहित, यहां पर आप देखिए, राहुल गांधी चाहे तमाम कार्यकर्ता, वो बार बार महंगाई की दुहाई दे रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी बढ़ रही है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, मुद्दों से भटकाना चाहती है। लेकिन आप जिस तरीके से जब ईडी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो आप सड़कों पर आप विरोध कर रहे हैं, आप हंगामा कर रहे हैं। लेकिन यही विरोध, यही हंगामा इसी तरीके से सड़कों पर उतरना आप जब क्यों नहीं करते, जब वाकई में महंगाई को लेकर के या महंगाई के मुद्दे पर आप सड़कों पर नहीं उतरते हैं, जब जांच कर रही है ईडी तो आप सड़कों पर उतर जाते हैं। सोनिका, ये सवाल कहीं ना कहीं हर एक आम व्यक्ति के मन में भी था, काफी ज्वलंत यह सवाल था कि जिस तरीके से विपक्ष की नीति होनी चाहिए थी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, वो कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ नजर नहीं आया था। लेकिन देखिए, जब से नेशनल हेराल्ड को सील किया गया उसके बाद से ही कांग्रेस बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। उसी वक्त चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे तमाम बड़े चेहरे हो, प्रथम पंक्ति तमाम चेहरे कह चुके थे कि 5 तारीख को हम सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब से राहुल गांधी ने महंगाई की बात की है, जब से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप देखिए जीएसटी में आप आम आदमी का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, तब से ईडी को आगे किया गया है। लेकिन ये पूरा मामला नया नहीं है, ये पूरा मामला कोर्ट में भी चल रहा है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है। जानकारी ये भी थी कि कल यानी मंगलवार को कई जगहों पर दबिश दी गई थी और वहां पर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थी उसमें हवाला का भी जिक्र किया गया है। अब इस दिशा में कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यह बिल्कुल पक्का है कि सदन से लेकर सड़क तक अब हंगामा देखने को मिलेगा। एडजर्नमेंट मोशन लाने की बात यहां पर कांग्रेस के तमाम चेहरे कर चुके थे। इसी को लेकर राज्यसभा के तमाम सांसद, लोकसभा के तमाम सांसदों को लेकर एक बैठक भी रखी गई थी और उसमें इस रणनीति पर मंथन हुआ कि कैसे सरकार को घेरा जाए, कैसे ये एक इंपोज, ये जो एक बड़ा मैसेज है स्ट्रांगली इस तरह इस मैसेज को जनता के सामने रखा जाए कि ईडी को आगे करके आप कांग्रेस को डरा नहीं सकते हैं। कांग्रेस का तो एक्शन प्लान उन्होंने सार्वजनिक कर दिया कि 5 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, लेकिन प्रशासन का एक्शन प्लान क्या है, किस तरीके की तैयारियों की बात कही जा रही है 5 तारीख को लेकर, क्योंकि जब जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो आम लोगों को काफी दिक्कत हुई है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस ने बीते शाम एक कांग्रेस को नोटिस भेजकर बता दिया है कि 5 तारीख को होने वाले प्रदर्शन को दिल्ली में इजाजत नहीं दी गई। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी उसके बावजूद कोई प्रदर्शन करती है तो कार्रवाई की जाएगी, यानी कि तमाम नेताओं को डिटेन किया जाएगा। हालांकि हर बार ये होता है, कांग्रेस दफ्तर के बाहर या तमाम जगहों पर पुलिस डिप्लॉय की जाती है, उसके बाद कांग्रेस के नेता वहीं प्रदर्शन करते हैं और फिर उन्हें बसों में भरकर अलग अलग थानों में ले जाया जाता है और बाद में छोड़ दिया जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि उन्होंने पूरी तरीके से इस बात का मूड बना लिया है कि प्रदर्शन किया जाएगा, चाहे भले ही वो पीएम आवास के आसपास पहुंच पाए या ना पहुंच पाए तो कांग्रेस दफ्तर में किया जाएगा। यही एक वजह है कि दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों ने बैठक करके पूरी तैयारी कर ली है। कल सुबह से ही जो कांग्रेस दफ्तर है, राहुल गांधी का आवास है, सोनिया गांधी का आवास है, वहां पर दोनों साइड बैरिकेडिंग रहेंगी। वो पूरा जो रोड है अकबर रोड उसको बंद कर दिया जाएगा। तमाम नेताओं को पीएम प्रधानमंत्री आवास के आसपास जाने की इजाजत नहीं होगी। जो भी उस परिसर से गुजरेगा उसके तमाम जगह बैरिकेडिंग्स होंगी और इन सभी नेताओं को आज भी एक नोटिस देगी दिल्ली पुलिस कि आप कल प्रदर्शन ना करें, इजाजत नहीं है आपको, धारा 144 लागू हो गई है। दूसरी तरफ 15 अगस्त को लेकर भी जिस तरीके से आईबी के इंटेलिजेंस ने दिया है खतरा है दिल्ली में, उसको देखते हुए प्रदर्शन फिलहाल बिल्कुल देखिए शिवम, हमारे दोनों सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम और रोहित पोखरियाल, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार ये बता रहे थे कि कैसे 5 तारीख को अब लगातार कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करेगी, ईडी की कार्रवाई को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। बिल्कुल, और चलिए 10 का दंगल में फिलहाल के लिए इतना ही, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।